मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड में इन दिनों दो लोग काफी सुर्खियों में रहते हैं। बाबा बागेश्वर तो जाना माना नाम है और उनके साथ बयानों में उलझकर अब प्रीतम लोधी भी चर्चा में आ गए हैं और चर्चा में ऐसे आए कि अब आए दिन प्रीतम कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, अत्याचार के खिलाफ हथियारबंद सेना को एकजुट कर रहे ये कोई जेम्स बॉन्ड नहीं बल्कि बीजेपी से निकाले गए प्रीतम लोधी हैं। पिछले कुछ समय से ये अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रीतम लोधी कोई बड़ा नाम नहीं है। पहले ज्यादा लोग तो इनके बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन अचानक प्रीतम लोधी के सीन में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई और प्रीतम लोधी कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गए। बहरहाल प्रीतम लोधी के सीन में बाबा की एंट्री कैसे हुई ये जानने के लिए पहले प्रीतम लोधी का ये बयान सुनिए। तो ये बयान आपने सुना, अब इस पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा था ये भी सुनिए। अभी ये तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी भरे। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है, पूरा डिटेल तो पता नहीं विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक आठ आठ घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है, नकटा तोरो बाप निकलत। बात जब चलती है तो दूर तलक जाती है। इधर बाबा ने वार किया तो उधर प्रीतम लोधी पलटवार करने में शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। धीरंदी से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा शौक है मुझसे मिलने का, तो एक आध दिन आकर मिल ले और मुलाकात करें मुझसे, और सामने मुलाकात कर ले, फिर अपनी थोड़ा पजामा को टटोल के देख ले कि मैंने बाथरूम किया है कि नहीं किया है। मतलब बाबा के साथ वाद विवाद में उलझते ही प्रीतम लोधी सोशल मीडिया की सनसनी बन गए और इसके बाद लोधी ने अपने बयानों और कारनामों से ऐसी सनसनी फैलानी शुरू की कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सेना नहीं है, देखना है। हमें कम खाते हैं किसी पर अत्याचार होगा। तो कुल मिलाकर पहले बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर के बयानों और उनके अंदाज की चर्चा होती थी, अब बाबा के साथ बयानों में उलझकर प्रीतम लोधी भी चर्चा में आने लगे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।